हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकिता मोगा उर्दा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 43 है, जिसमें आज हम बात करेंगे फिल्टर मेथड की। जो हमारा एरे का मेथड होता है फिल्टर, तो बेसिकली इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली फिल्टर का मतलब होता है छानना, हिंदी में बात करूँ तो। अगर हम अपने अकॉर्डिंग डेटा चाहते हैं, ठीक है, कि मेरा जो सेट ऑफ डेटा है उसमें से मैं कुछ फिल्टर कराने के बाद मैं डेटा कुछ कर लेना चाहता हूँ, तो मैं यूज करता हूँ फिल्टर मेथड का। बट जावास्क्रिप्ट में फिल्टर मेथड जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो देखिए, द फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे। तो बेसिकली जब भी आप फिल्टर मेथड का यूज करते हैं एरे पे, तो वो एरे फिल्टर मेथड एक नया एरे बनाएगा। मतलब जो डेटा फिल्टर करके, अगर आप एरे नंबर 1 पर उस फिल्टर मेथड को आप यूज कर रहे हैं, तो फिल्टर होने के बाद जो डेटा निकल के आएगा वो फिल्टर मेथड एक नए एरे के अंदर उसको सेट करके देगा आपको। सेम 1 नाम का जो एरे है जिस पर आपने फिल्टर लगाया, और फिल्टर लगाने के बाद जो डेटा आपका निकल के आया, वो डेटा आपका 1 नाम के एरे में नहीं देगा, वो एक नया एरे क्रिएट करेगा। और किस तरीके से करेगा, तो जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, मैंने एक वेर नाम का नंबर, यहाँ पे एक मैंने एरे बनाया नंबर्स नाम का, और मैंने कुछ यहाँ पे नंबर पास किए हुए हैं। और मैंने फिर एक, क्योंकि जो फिल्टर मेथड होता है वो हमेशा आपके फिल्टर हुए डेटा के साथ में एक नया एरे ही आपको बना के देगा, तो इसलिए हमने एक एरे क्रिएट किया। और उस एरे पर हमने नंबर्स, मतलब इस 1 एरे पर, नंबर्स एरे पर हमने फिल्टर मेथड लगाया। अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि फिल्टर मेथड एक यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लेता है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर लेगा पैरामीटर में। तो जैसे ही इस एरे नंबर्स एरे पर फिल्टर मेथड चलेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो फंक्शन मैंने पास किया है, ये कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं इसको, ये फंक्शन हमारा चल जाएगा। और जैसे ये फंक्शन चलेगा, तो इस फंक्शन में आपको क्या पास करना है, एक एरे में क्या होता है, एक एरे के अंदर इंडेक्स नंबर होते हैं, उन इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू होती है, और पूरा एरे होता है। तो आपको वैल्यू कोमा इंडेक्स कोमा एरे, तो मतलब की वैल्यू, एरे की सारी वैल्यू, एरे के इंडेक्स नंबर और एरे पूरा पास कर देना है, और आपको रिटर्न कराना है आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग की। मैं चाहता हूँ फिल्टर कर दे जो वैल्यू 18 से बड़ी है, वो मुझे लाके इस एरे में से निकाल के दे दे। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जब भी आप फिल्टर मेथड लगाते हैं, तो एक फंक्शन आपको पास करना होगा, उस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद आपको उसमें वैल्यू इंडेक्स एरे पास करना है, और सिंपल आपको इसके अंदर और कोई भी कैलकुलेशन पास नहीं करनी है, सिर्फ आपको लिखना है रिटर्न, और आपको यहाँ पे लिखना है कि वैल्यू से बड़ा, अगर कोई 18 से जो मेरा डिजिट है इससे जितने भी वैल्यू बड़ी है वो मुझे निकाल के दे दो, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन अपने आप काम करके आपको दे देगा, ठीक है। और जो वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो आपके ओवर 18 नाम के एरे के अंदर सेट हो जाएंगे। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, क्या यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ वेयर नंबर्स, ठीक है, इस तरीके से इक्वल, और यहाँ पर मैं इनमें नंबर सेट कर देता है 25, 45, 65, 2, 1, 2, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं जो वैल्यू 25 से बड़ी है वो मैं निकालना चाहता हूँ इसमें से। तो उसके लिए हम सिंपल सा यूज करेंगे फिल्टर मेथड का, और फिल्टर मेथड जो आपका रिजल्ट होगा उसको एक एरे के अंदर ही सेव करेगा। तो हम एक एरे क्रिएट करवा लेते हैं जिसमें होगा हमारा रिजल्ट, इस तरीके से इक्वल आप करोगे और आप लगाओगे नंबर्स पर, क्योंकि मुझे किस एरे की वैल्यू चाहिए, नंबर्स के जो एरे है उस पे उनको मुझे फिल्टर लगाना है, तो मैं लगाऊंगा फिल्टर मेथड। बस इसमें मुझे एक फंक्शन पास करना होगा, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि माई फन, इस तरीके से। अब मुझे इस फंक्शन को डिक्लेयर भी करना होगा, मैंने यहाँ पे किया फंक्शन कीवर्ड लगाया और माई फन यहाँ पे रखा, ठीक है, और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज किया। अब इस माई फन के अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इंडेक्स, मुझे यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, वैल्यू पास करनी पड़ेगी, इंडेक्स पास करना पड़ेगा और एरे का नाम पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एरे पास कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं रिटर्न कराऊंगा क्या, कि जो मेरी वैल्यू है एरे की अगर वो बड़ी है 25 से, तो मुझको उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर आप फिल्टर मेथड किसी भी एरे पर लगाना चाहते हैं, तो जो फिल्टर होके डेटा आएगा उसको आपको किसी ना किसी एरे के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा, तो आपको इस तरह से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, और उस एरे पर नंबर्स एरे पर हमने फिल्टर मेथड लगाया, उसके पैरामीटर में आपको एक फंक्शन पास करना है, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फंक्शन जब पास करोगे तो फंक्शन को डिक्लेयर भी करोगे, तो फंक्शन डिक्लेयर होता है फंक्शन कीवर्ड से, फंक्शन का नाम रखा
और इस पैरामीटर में फंक्शन के आपको वैल्यू इंडेक्स एरे आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आपका वैल्यू इंडेक्स एरे, इस तरीके से पास कर देना है, और जो भी आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि मुझे रिटर्न करवा दो एरे की जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 25 से बड़ी है वो वैल्यू मुझे रिटर्न करा दो, ठीक है, और रिटर्न होके वो रिजल्ट में सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके, documentDocument डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पहले तो मैं एरे नंबर्स की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, सारे नंबर्स प्रिंट कराऊंगा विदाउट फिल्टर, और फिर मैं यहाँ पर एक लाइन का ब्रेक दे देता हूँ इस तरीके से br। अब मैं यहाँ पर दोबारा फिल्टर कराने के बाद यहाँ पर मैं अपने डेटा प्रिंट करा लूंगा, और मेरा फिल्टर हुए एरे का नाम है रिजल्ट, इस तरीके से। अब मैंने सेव किया, अब मैं क्रोम में जाके करता हूँ उसको रिफ्रेश। ये देखिए, तो पहले तो मैंने प्रिंट कराया विदाउट फिल्टर लगा के, सारी वैल्यू मेरे एरे की आ गई। फिर मैंने फिल्टर कराया इसमें कि जो वैल्यू 25 से बड़ी है वो मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे दो, यहाँ पर 45, 65, 58, 85। तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मेथड तो मेरा काम कितना आसान हो गया। अगर मैं इस तरीके से काम नहीं करता तो मुझे खुद का लॉजिक क्रिएट करना पड़ता, हर एक वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता, और फिर मुझे उसका रिजल्ट निकालना पड़ता। तो जावास्क्रिप्ट में इस तरह के काम करना बहुत इजी हो जाता है, उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके लिए प्री डिफाइंड मेथड है, उसके लिए प्री डिफाइंड आपका तरीका यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में दिया हुआ है कि सिर्फ आपको एरे पर, जिस भी एरे में से आप फिल्टर लगाना चाहते हैं उस पर आप फिल्टर मेथड लगाओ, कर्ली ब्रैकेट आपके राउंड ब्रेसेस ओपन क्लोज करके एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, उस फंक्शन को डिक्लेयर करो, फंक्शन के अंदर आप एरे की वैल्यू इंडेक्स एरे आप पास कर दो, और देन आप जो भी कंडीशन अंदर देना करवाना चाहते हैं वो करवा लो, और उसको फिर आप रिटर्न करवा लो, और ऑटोमेटिक इस फंक्शन से रिटर्न होके हमारा डेटा आ जाएगा रिजल्ट नाम के डेटा वेरिएबल में, जो कि एरे है हमारा, और हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब क्या ये एरे है वाकई में ही, क्योंकि हमने यहाँ पर एरे के ब्रैकेट पिन लगाए। अब हम कैसे यकीन कर लें कि एरे बना हुआ है? अगर मैं यहाँ पर देखिए एरे के सिंबल लगा के अगर मैं कोई वैल्यू प्रिंट कराऊं कि जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, तो आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ वापिस से ये देखिए इंडेक्स नंबर लगा के, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो मैंने 1 पे जो वैल्यू है और 2 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया, ये देखिए सारी 45, 65, 58 वैल्यू प्रिंट हो गई। तो बेसिकली ये हमारा एरे बन जाता है, क्योंकि जो डेटा फिल्टर जो मेथड होता है जो आपकी वैल्यू को फिल्टर करने में रिटर्न करेगा, वो एज अ फिल्टर एज अ एरे की फॉर्म में रिटर्न करता है, और एरे को हमने वेरिएबल इसमें स्टोर करा लिया इस तरीके से। तो बेसिकली जो रिजल्ट है एरे ही होता है, एरे है, भले आप यहाँ पे इन्वर्टेड ये एरे ब्रैकेट ना लगाओ, फिल्टर मेथड आपको एज अ एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से फ्रेंड्स यूज होता है फिल्टर का, और आप इस तरीके से एरे के नंबर्स को आप फिल्टर करा सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बस मैं आपको याद ये रखना है कि जब भी आप फिल्टर मेथड लगा रहे एक फंक्शन पास करना पड़ता है, उस फंक्शन को डिक्लेयर करो, फंक्शन के पैरामीटर में आप वैल्यू इंडेक्स एरे पास करो, देन आप रिटर्न करवाइए इस फंक्शन से अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी आप काम कराना चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज करो सब्सक्राइब, बेल आइकन कीजिए प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।